पर एक बड़ी खबर इस वक्त ओडिशा से बता रहे हैं आपको, क्योंकि यहां पर ओडिशा में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। यहां पर मालगाड़ी से एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसकी टक्कर हुई है। कहां पर हुई है? बालासोर में यह बड़ा हादसा हुआ है, ट्रेन हादसा। मालगाड़ी से एक्सप्रेस ट्रेन टकराई है, कोरोमंडल ट्रेन की मालगाड़ी से यह टक्कर हुई है और 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल यानी हावड़ा से ये चेन्नई जा रही थी, तमिलनाडु जा रही थी ट्रेन, और इसी दौरान यहां पर यह हादसे का शिकार हुई है, दुर्घटना हुई है। यहां पर एक मालगाड़ी एक एक्सप्रेस ट्रेन और दोनों की टक्कर हुई है। 50 लोग इसमें घायल होना बताए गए हैं। बालासोर, ओडिशा के बालासोर में यह बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मालगाड़ी से टक्कर हुई है, एक्सप्रेस ट्रेन की मालगाड़ी से टक्कर हुई है और कोरोमंडल ट्रेन की मालगाड़ी से ये टक्कर हुई है। 50 लोग इसमें घायल हुए होना बताए गए हैं। हावड़ा से चेन्नई ये ट्रेन जा रही थी और मौके की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस बड़े ट्रेन हादसे की। यहां पर इसके बाद रात और बचाव का काम जो है वो शुरू कर दिया गया। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। जी, क्या जानकारी है, कैसे यह हादसा हुआ है, क्या इसके पीछे वजह है और कितने लोग इसमें जख्मी हुए हैं, क्या सबको अब इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया, कब की घटना है? देखिए, उड़ीसा के जो बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, बहानागा एरिया है, वहां पर जो मालवाही ट्रेन को एक धक्का दे दिया एक्सप्रेस ट्रेन, हावड़ा शालीमार एक्सप्रेस अभी ट्रैक से बाहर हो गया है और 400 जो बोगी है वो ट्रैक के बाहर हो गया और ये बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है अभी एक घंटा पहले। और इसमें 50 से ज्यादा जो खबर आ रही है, 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद जो एक्सीडेंट होने के बाद अंधेरे की वजह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक से हो नहीं पा रहा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट और साउथ कोस्ट रेलवे की तरफ से अभी वहां पर टीम पहुंच रहे हैं, एनडीआरएफ टीम पहुंच रही है, ओड्राफ टीम पहुंच रहे हैं, उसके बाद ओडिशा के जो फायर सर्विस है वो टीम पहुंच रहे हैं। हम ओडिशा के डीजीपी, जो फायर डीजीपी है, उससे बातचीत कर रहे थे, वो जा बोल रहे थे कि अभी वो भी रवाना हो चुके हैं और 17 से ज्यादा एम्बुलेंस वहां पर तैनात हो चुके हैं, उसकी तरफ बढ़ चुके हैं। और जो भद्रक और बालेश्वर ओडिशा के दो डिस्ट्रिक्ट है, वहां से ओड्राफ टीम और एनडीआरएफ टीम तैनात हो चुके हैं, 10-15 मिनट के बाद वहां पर पहुंच जाएंगे। और वहां पर जो लोकल लोग हैं, वही लोग उनको रेस्क्यू कर रहे हैं, क्योंकि अंधेरे की वजह से साउथ कोस्ट रेलवे की जो अधिकारी है उनसे बातचीत कर रहे थे हम, वहां पर टीम अभी भी रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच चुका है। और बालेश्वर जो कलेक्टर है उनसे बातचीत कर रहे थे, वो बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द वहां पर पहुंच जाएंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से टोल फ्री नंबर जारी किया गया है और जो स्थानीय लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उनके मदद से अभी जो सूचना हमारे पास है, उनके मदद से बालेश्वर की मेडिकल को कुछ लोगों को ले चुके हैं, भद्रक की कुछ लोगों को ले चुके हैं। और ज्यादातर ये जो 50 अभी आ रहे हैं, ये संख्या बढ़ सकता है, ये फिगर अभी बढ़ सकता है कि इस हिसाब से और भी ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। स्पोर्ट पहुंचने के बाद जो रेस्क्यू टीम है, ओडा टीम और एनडीआरएफ टीम अगर वहां पर पहुंच जाती है, जो अधिकारी है उनसे बातचीत कर रहे थे, और 15 से 20 मिनट लगेगा। सबसे दिक्कत और सबसे परेशानी की बात है कि अंधेरे है, इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। अभी देखेंगे तो एक घंटा हो चुका है और वहां पर अभी तक मदद नहीं पहुंच चुका है और लोकल लोग हम यहां पर ये जो तस्वीरें आपके द्वारा भेजी गई हैं, ये तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ जो घटनास्थल है उसकी तस्वीर है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो घायल हैं उनको ट्रीटमेंट भी, इलाज भी दिया जा रहा है। लेकिन ये जो घटनास्थल की तस्वीर है, क्या ये टक्कर के बाद हुआ, क्या एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन पलट गया? क्योंकि उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि कुछ लोग खड़े हुए हैं, और इसके अलावा कौन कौन सी बोगियां जो हैं जो क्षतिग्रस्त हुई हैं या उसमें जो लोग सवार थे वो हताहत हुए, जख्मी हुए? देखिए, जो मालवाही ट्रेन था उसको धक्का दिया शालीमार, जो हावड़ा शालीमार एक्सप्रेस जाकर धक्का दिया, उसकी बदौलत 4 बोगी ट्रैक से बाहर हो गई और वो जो दुर्घटना घटी, ठीक से सिग्नल कनेक्टिविटी ठीक से नहीं हो पाया, इसीलिए जो स्पोर्ट से जो खबर आ रही है और साउथ कोस्ट रेलवे की तरफ से जो खबर आ रही है, कम्युनिकेशन गैप था और सिग्नल ठीक तरह से मिल नहीं पाया, और जहां पर घटना हुई है वो था थोड़ा
इंटीरियर साइड था, तो इसी बदौलत वहां पर ये घटना घटी। और जो साउथ पोस्ट की तरफ से ऑफिशियली जो हमें बताया गया है और उनकी अधिकारी और वहां के जो कलेक्टर हैं वो जो बताए, उस हिसाब से अभी तक रेस्क्यू जितनी होना चाहिए वो हो नहीं पाया है। और जो भी मेडिकल लोग जो गए हैं, जिन लोगों को भी जी